हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किमी आइडियाज़। आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। मैं इसको ड्राई रख रही हूँ, इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये चिकन भुना मसाला आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे चिकन को मैरिनेट करना होगा। सबसे पहले हम चिकन को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून हम अप्रॉक्स लाल मिर्च पाउडर लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून हम जीरा पाउडर लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम चिकन पाउडर लेंगे, चिकन मसाला पाउडर। फिर 1/2 स्पून से भी कम हम लेंगे ब्लैक पेपर, काला मिर्च पाउडर। फिर हल्दी पाउडर हमारा रहेगा 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट हम ले लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम 1 लेमन का रस यूज़ करेंगे, सो 1 लेमन जूस है ये। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें 1 स्पून कर्ड ऐड कर लेंगे इसमें। फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। इसको मिलाने का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, सो दैट चिकन के हर एक पार्ट में मसाला अच्छे से मिल सके। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम ऑयल इसमें डाल देते हैं। मैं 2 टेबल स्पून के अप्रॉक्स में ऑयल ले रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको मिलाएंगे। अब हमारा चिकन को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको 30 से 40 मिनट के लिए इसको रख छोड़ देंगे, इसको ढक के, सो दैट ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन का मसाला तैयार करने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटो लिए हैं, और 2 ग्रीन चिली लिया है मैंने, हरी मिर्च। और खारे मसाले में मैंने लिया है 3 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, और हल्का खारा गरम मसाला लिया है, जिसमें 3 इलायची है, थोड़े लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, और 1 2 स्टार है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने, और इसको गार्निश करने के लिए धनिया का पत्ता। अब एक कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम जीरा ऐड कर लेंगे, और हम ये सारा खड़ा मसाला ऐड कर लेंगे, 3 तेज़पत्ता, दालचीनी, और ये रेड चिली को हम ऐसे तोड़ के ऐड कर लेंगे। इसको 1 मिनट तक ऐसे भुनने देंगे। तो अब हम इसमें 3 चिली ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर लेंगे। ऑनियन को हम इसको हम करीब तकरीबन 5 मिनट तक इस ऑयल में इसको इस तरह से भूनेंगे, सो दैट इसका कलर चेंज हो जाए। इसको ऑनियन को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूँगी। मैंने 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑनियन पूरा ट्रांसलूसेंट हो चुका है, ये पूरी तरह से भून चुका है, तो अब हम इस स्टेज में इसमें मसाला ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें 1 स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 स्पून। अभी मैं इन मसालों को 2 मिनट के लिए मिनिमम इसको भूनूंगी। मैं
जैसा कि हम देख सकते हैं कि मसाला अब ऑलरेडी भून चुका है और इसमें से ये ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो अब हम इस स्टेज में इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से इसमें मिला लेंगे मसाले के साथ, और अब इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसके साथ ऐसे ही भूनने देंगे इसको। हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे सो दैट कि ये जले नहीं। अब हम इस स्टेज में इसमें 1 स्पून चिकन मसाला ऐड कर लेंगे। इसी स्टेज पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लूँगी। मैंने 1/2 स्पून से थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट लिया है। नमक डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ सो दैट इसका फ्लेवर और इसका कलर थोड़ा अच्छे से आएगा निखर के। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तो जल्दी पके इसके लिए हम इसको ढक लेंगे, ढक के पकाएंगे तो ये जल्दी पक जाएगा। 10 मिनट अप्रॉक्स मैंने इसको भुना है। भुनने के बाद आप इसको देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा रेडिश टाइप का आया है। तो अब हम इस स्टेज में इसमें टोमेटो में ऐड कर लूँगी। टोमेटो को मैंने पीस लिया है और अब मैं इसको टोमेटो को इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके अभी मैं इसको 10 और मिनट पकाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा चिकन रेडी हो चुका है। मैं इसको धनिया पत्ता से इसको गार्निश कर लेती हूँ। मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। तो अब हमारा चिकन बनके रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए मेरी रेसिपी के साथ और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्किमी आइडियाज़ को। थैंक यू।